Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. Children, today I am going to teach you forward counting 201 to 250 in math. बच्चों, पहले की वीडियो में मैंने आपको फॉरवर्ड काउंटिंग 1 से लेके 200 तक पढ़ा चुकी हूँ. आज मैं आपको फॉरवर्ड काउंटिंग 201 टू 250 पढ़ाऊंगी. सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बताती हूँ फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब होता है आगे की ओर काउंटिंग. जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है ना, इसको हम लोग फॉरवर्ड काउंटिंग कहते हैं. तो हम लोग को क्या राइट करना है आज, फॉरवर्ड काउंटिंग 201 टू 250. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से 201. ये क्या हो गया 201. ये क्या हो गया 201. 201 को हम लोग बोलते हैं 201. अब 201 के बाद हम लोग क्या राइट करेंगे 202, क्योंकि फॉरवर्ड काउंटिंग है, आगे की ओर बढ़ना है. तो 1 के बाद तो आप जानते हैं 2 आता है, तो 202. अब 202 के बाद क्या राइट करेंगे 203. अब 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है ना. तो फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब होता है आगे की ओर काउंटिंग बढ़ना, और हम लोग को राइट करना है 201 टू 250. तो यहाँ बेटा हम लोग ने फर्स्ट में क्या राइट किया 201, इसको बोलते कैसे हैं 201, और 202 को क्या बोलते हैं 202, और 203 को क्या बोलते हैं 203. अब इस 203 के बाद होता है 204, इसको क्या बोलते हैं 204. अब 204 के बाद क्या लिखेंगे 205, इसको क्या बोलेंगे 205. अब 205 के बाद क्या आता है, हमेशा फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर बनना है. 5 के बाद क्या करना है 6, 206, ठीक है. 205 के बाद 206, ये तो बहुत सिंपल है. जैसे 1, 2, 3, 4 आप लोग लिखते हैं, बस 200 क्योंकि लिखना, तो 20 आगे लगाना, बाकी तो वैसे सेम करना. 206 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद तो 7 आता है, तो हम लोग को पहले 200 लिखना है ना, तो 207, ठीक है. 207 के बाद 208, 208 के बाद 209, 209 के बाद क्या आता है, 209 के बाद क्या आता है, 10 आता है ना, तो 210. एक बार फिर से पढ़ेंगे 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210. और 10 के बाद बेटा क्या आता है, आपको तो पता है 10 के बाद 11 आता है. तो यहाँ क्योंकि 200 है, तो हम लोग को यहाँ क्या लिखना है 211. 211, ये क्या, इसको कैसे बोलेंगे 211, क्या बोलेंगे 211. और 11 के बाद क्या आता है 12 आता है ना, तो 212, ये क्या हो गया 212 के बाद 13. आपको बस क्योंकि 200 से हम लोग को काउंटिंग लिखना है, इसलिए ये 2 आगे लगाना है, तो 212 के बाद 213, 213, ये क्या बन गया 213. 213 के बाद 214, ये क्या बन गया 214. 214 के बाद क्या होता है, 14 के बाद आप सिंपल याद करो, 14 के बाद क्या आता है 15 आता है, बस 2 लगाना है आपको, 215, 215. 215 के बाद 216, ये क्या बन गया 216. 216 के बाद क्या लिखेंगे, 16 के बाद 17, क्योंकि 200 से लिखना है, तो 217, ये क्या बन गया 217. 217 के बाद क्या लिखेंगे 218,
ये क्या हो गया 218। तो फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब तो बेटा आप समझ गए कि आगे की ओर काउंटिंग को लिखना है। 218 के बाद 19 आता है, तो 219 और 219 के बाद क्या होगा, 19 के बाद 20, तो 220, ये क्या बन गया 220। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220। अब 20 के बाद क्या आता है आपको याद है ना, 20 के बाद 21 आता है, लेकिन 2 हम लोग को 200 का लिखना है फॉरवर्ड काउंटिंग, तो सबसे पहले 2 तो लिखेंगे ही, 2, 2, 1, ये क्या बन गया 221। 221 के बाद 22 आता, तो 222, 222, 222। फिर लिखेंगे 222 के बाद आता है 223, 223, ये क्या बन गया 223। अब 223 के बाद आता है 224, ये क्या बन गया 224। 224 के बाद आता है 225, 225, ये क्या बन गया 225। तो बेटा हमेशा याद रखना है कि फॉरवर्ड काउंटिंग आगे की ओर बढ़ता है काउंटिंग, ठीक है, पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर। तो 225 के बाद क्या आता है 26 आता है, तो 226, ये क्या बन गया 226। अब 226 के बाद आता है 227, तो 227, 227। 227 के बाद आता है 228, और इसको लिखते कैसे है 228, ये क्या हो गया 228। अब 228 के बाद आता है 229, और राइट कैसे करते हैं इसको हम लोग 229, 229। अब 229 के बाद क्या आता है 230, 229 के बाद लास्ट में क्या आता है 30 आता है ना, तो 230, ये क्या बन गया 230। एक बार फिर से पढ़ेंगे, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 230, ठीक है। अब हम लोग 30, यहाँ क्योंकि हम लोग लास्ट में आप देखो 30 लिखे है ना, तो 30 के बाद क्या आता है 31 आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 231, 231। अब 31 के बाद तो आपको सबको पता है कि 232 आता है, तो 232, ये क्या बन गया 232, ठीक है। अब 232 के बाद क्या आता है, क्या आता है 32 के बाद 233, इसको लिखते कैसे 233, ये क्या बन गया 233। अब 233 के बाद आता है 234, और लिखते कैसे इसको 234, और 234 के बाद आता है 235, लिखते कैसे 235, 235। अब 235 के बाद आता है 236, और उसको राइट कैसे करते हैं 236, ये क्या बन गया 236। अब 236 के बाद आता है 237, तो राइट कैसे करते हैं 237, क्या बन गया 237। अब 237 के बाद आता है 238, और लिखते कैसे इसको 238। अब 238 के बाद आता है 239, राइट कैसे करते हैं 239 के बाद आता है 240 के बाद तो 40 आता है 240, ये क्या बन गया, क्या बन गया 240। एक बार फिर से पढ़ेंगे, 231, 232, 233,
236, 237, 238, 239, 240. अब नेक्स्ट 40 के बाद क्या आता है? 41 आता है, आपको पता है, क्योंकि 201 से 250 तक लिखना है ना, तो 31 के बाद 41 आता है ना। यहाँ देखिए 40 हम यहाँ लास्ट लिखे है ना, तो 40 के बाद क्या आता है? 41, तो हम लोग को तो वही लिखना होगा, 241, ये क्या बन गया? 241। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 201 है, फिर 11 है, फिर 21 है, फिर 31 है, फिर ये 41, हो गया। अब नेक्स्ट 241 के बाद आता है 242, 242, ये क्या बन गया? 242। 242 के बाद आता है 243, और इसको राइट कैसे करते हैं? 243, है ना, वेरी सिंपल, आपको बस लिखते जाना है फॉरवर्ड काउंटिंग, ठीक है। 243 के बाद क्या राइट करेंगे? 43 के बाद 44 आता है, तो 244, ये क्या हो गया? 244। 244 के बाद क्या आता है? 245, और इसको राइट कैसे करते हैं? 245, क्या बन गया? 245। अब 245 के बाद आता है 246, और इसको लिखते कैसे? 246, ये क्या बन गया? 246। अब 246 के बाद बनता है 247, इसको लिखते कैसे? 247, और बोलते कैसे? 247। अब 247 के बाद 248, और लिखते कैसे इसको? 248। अब 248 के बाद आता है 249, 249, इसको लिखते कैसे हैं? 249, और बोलते कैसे? 249। और अब लास्ट में क्या है? 249 के बाद 50 है ना, 250, ये क्या हो गया? 250, 250। और हम लोग को लिखना कहाँ तक था काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग? 201 to 250 तक। तो बेटा यहीं तक लिखना था काउंटिंग, ठीक है। आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब होता है आगे की ओर काउंटिंग लिखना। तो बेटा आप लोग को मैथ्स कॉपी में, अपने मैथ्स कॉपी में आप फॉरवर्ड काउंटिंग 201 to 250 को लिखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।